नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल अक्सर घूमते रहता है कि भारत में अंबानी और टाटा दोनों में कौन ज्यादा अमीर है। तो इस संबंध में आगे बढ़ने से पहले एक बार दोनों का बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका बैकग्राउंड। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने किया था। इनका जन्म 1839 में गुजरात में हुआ था। जमशेद जी टाटा 14 साल तक वहीं पले बढ़े, उसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कुछ साल तक अपने पिता के साथ ही काम किए। उसके बाद उन्होंने बिजनेस करने का फैसला किया। हालांकि उस दौर में बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं था। देश अंग्रेजों का गुलाम था और ज्यादातर बिजनेस पर अंग्रेजों का ही कब्जा था। ऐसे में उस समय कोई बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 29 वर्ष की उम्र में जमशेद जी टाटा ने 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बिजनेस की शुरुआत टेक्सटाइल से करेंगे। इसके लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने मुंबई में एक ऑयल मिल को खरीद लिया और उसको कॉटन मिल में बदल दिया। फिर उस कॉटन मिल को अच्छे प्रॉफिट पर बेच दिया और वो एक बार फिर इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने टेक्सटाइल की बारीकियों को समझा। फिर महाराष्ट्र के नागपुर में उन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू किया। उस दौर में वर्कर्स को बहुत परेशानियों के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन जमशेद जी टाटा ने अपने वर्कर्स के लिए पीएफ, बेहतर वर्कप्लेस इत्यादि कई सुविधाएं मुहैया कराई, जो कि एक बड़ी बात थी। अपनी टेक्सटाइल बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के बाद जमशेद जी टाटा ने अब अपने अगले लक्ष्य पर फोकस किया। उनके मन में और तीन तरह की कंपनियां शुरू करने का इरादा चल रहा था। वो तीन कंपनियां हैं आयरन एंड स्टील कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हालांकि वो अपने जीवन काल में इन तीनों में से एक भी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर पाए थे। बाद में इन प्रोजेक्ट्स को उनके बेटे डोराबजी टाटा ने शुरू किया। एक बार जमशेद जी टाटा को भारतीय होने के कारण 5-स्टार होटल में एंट्री नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई में अपना खुद का एक 5-स्टार होटल खोल दिया, जिसमें सभी भारतीय लोगों को एंट्री मिल सकती थी। उस होटल को आज हम सभी ताजमहल के नाम से जानते हैं। जमशेद जी टाटा 1904 में दुनिया को अलविदा कह दिए। उसके बाद उनके बिजनेस को डोराबजी टाटा ने आगे बढ़ाया और उनके अधूरे सपने को पूरा किया। जमशेद जी टाटा ने जैसी टाउनशिप सोची थी, बिल्कुल वैसे ही टाउनशिप बनकर तैयार हुई, जिसे जमशेदपुर नाम दिया गया। यह झारखंड में स्थित है। उसके बाद जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने और 53 साल तक चेयरमैन बने रहे। जब उन्होंने ग्रुप की कमान संभाली तो टाटा ग्रुप्स की 14 कंपनियां थीं। लेकिन 1991 में जब उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ा, तब टाटा ग्रुप की 95 कंपनियां हो चुकी थी। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स और टीसीएस जैसी कंपनियों को खड़ा किया। उसके बाद टाटा ग्रुप्स के बिजनेस को रतन टाटा ने आगे बढ़ाया और इसका ग्लोबल विस्तार किया। जिस दीवार को जेआरडी टाटा ने खड़ा किया था, उसको रतन टाटा ने भव्य रूप दिया। अब बात करते हैं अंबानी के बारे में। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात में हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। पिता के स्कूल टीचर होने के बावजूद धीरूभाई अंबानी की पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए 10वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और यमन चले गए। वहां पर उन्होंने कुछ दिनों तक गैस स्टेशन पर काम किया। यमन में उस वक्त सिल्वर के सिक्के बनते थे। धीरूभाई अंबानी ने देखा कि सिल्वर के सिक्के से ज्यादा सिल्वर की वैल्यू है। फिर उन्होंने सिक्के को मेल्ट करके उसे बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद वो 1957 में इंडिया वापस आ गए और मुंबई में रहने लगे। मुंबई में ही उन्होंने अपनी पहली कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। उनकी यह कंपनी मसालों और पॉलिस्टर यान की ट्रेनिंग का काम करती थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया और विमल ब्रांड लॉन्च किया। कपड़ों के क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के बाद उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने खुद ही इसको चलाना शुरू कर दिया। उस जमाने में लोग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे। ऐसे में धीरूभाई अंबानी ने 1977 से 1978 में देश के अलग अलग शहरों में लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस शुरू किया, जैसे पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल रिफाइनरी बिजनेस इत्यादि। अपने सभी बिजनेस में वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बन गए। इसके बाद उन्होंने कई सारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इत्यादि। रिलायंस के शेयर होल्डर्स भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किए। जब रिलायंस का आईपीओ आया, तब रिलायंस का रिवेन्यू 70 करोड़ था,
जो कि साल 2002 तक 75 करोड़ से भी अधिक हो गया। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके बिजनेस को उनके दोनों बेटों के बीच बांट दिया गया। वर्ष 2007 में मुकेश अंबानी के पास 49 बिलियन डॉलर था, जबकि अनिल अंबानी के पास 45 बिलियन डॉलर था। अनिल अंबानी को जो बिजनेस मिली थी उसको वो अच्छे से नहीं चला पाए, जिसके वजह से उनके बिजनेस का ग्राफ गिरता चला गया। वहीं मुकेश अंबानी अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और वर्ष 2020 में उनके पास 57.4 बिलियन डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी के पास 48% शेयर है, जबकि टाटा ग्रुप के पास बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा की 28 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जिसका कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी के साइज के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप से ज्यादा बड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि टाटा ग्रुप रिलायंस से बड़ा है तो फिर रतन टाटा भारत के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में क्यों नहीं आते? इसका जवाब आपको टाटा सन्स के शेयर होल्डिंग के पैटर्न को देखकर मिल जाएगा। टाटा सन्स में रतन टाटा की जो शेयर होल्डिंग है वो 1% से भी कम है। बाकी के लगभग 66% शेयर होल्डिंग टाटा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अगर ये शेयर होल्डिंग रतन टाटा के पास होती तो रतन टाटा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति होते, लेकिन टाटा के लिए पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि सोशल इम्पैक्ट ज्यादा मैटर करता है। हालांकि ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा किया है और इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। यह वीडियो हमने अपने दर्शकों को टाटा और रिलायंस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया है। मौजूदा समय में टाटा और रिलायंस दोनों ही ग्रुप्स भारत को आर्थिक शक्ति प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।